वेलकम स्टूडेंट्स, आज का पॉइंट है अपना विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है वो कोई नया पॉइंट नहीं है। विलोम शब्द हमें कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं और विलोम का अर्थ भी हमें पता है, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूं। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। विलोम का अर्थ, विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा भी बिल्कुल इजी है कि किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द उसका विलोम शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द, किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द, किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द उसका विलोम कहलाता है। उसका विलोम कहलाता है। तो विद्यार्थियों, ने इसकी परिभाषा देखी कि किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द जो है उसका विलोम कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे एक शब्द है जीत, जैसे एक शब्द है जीत और जीत का अर्थ होता है जीतना। एक शब्द क्या है? जीत, जीतना या विजय। जीत का अर्थ होता है जीतना या विजय प्राप्त करना, लेकिन हार जो है इसका विपरीत अर्थ हो गया। हार क्या हो गया? विपरीत अर्थ क्या हो गया? हार। तो जीत का क्या हो गया? हार। अतः जीत और हार दोनों जो है एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। ये दोनों किसकी? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द। तो विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से कुछ विलोम शब्द जो हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम में मुख्य रूप से जो विलोम शब्द आने वाले हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य विलोम शब्द हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसे इधर हम देख लें, जैसे इधर तो हम लिख देंगे शब्द और इधर हो गया विलोम, यानी कि इस शब्द का उल्टा। जैसे अपन बात करें अमीर, इसका हो जाएगा गरीब। दूसरा है अंधेरा, अंधेरे का हो जाएगा उजाला। अगला है अभिज्ञ, अभिज्ञ इसका होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अगला देखते हैं अस्वस्थ, अस्वस्थ तो इसका हो जाएगा स्वस्थ। इसी तरीके से कर्षण, कर्षण यानी काला, श्वेत यानी सफेद। आगे है अमर, इसका होगा नश्वर। आगे है अर्पण, इसका होगा ग्रहण। आगे है अल्पायु, इसका होगा दीर्घायु। उसी तरीके से होगा कोप, इसका होगा कृपा। इसी प्रकार और भी जो विलोम शब्द हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। आगे देखते हैं अमावस्या, अमावस्या
तो इसका हो जाएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा। आगे है कड़वा, इसका होगा मीठा। उसी प्रकार आगे है खेद, इसका होगा प्रसन्नता, खेद का हो जाएगा प्रसन्नता। ठीक उसी प्रकार आगे हम देखते हैं घृणा, घृणा यानी नफरत, तो इसका हो जाएगा प्रेम। उसी प्रकार ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कनिष्ठ, ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। इसी प्रकार तीव्र, इसका होगा मंद। धैर्य, धैर्य का होगा अधैर्य। आगे होगा निरोग, निरोग, निरोग का हो जाएगा रोगी। आगे देखते हैं हम पंडित, पंडित यानी विद्वान, इसका हो जाएगा मूर्ख, मूर्ख। ठीक ठीक इसी प्रकार एग्जाम में, एग्जाम की जो दृष्टि से मैन मैन जो विलोम शब्द हैं वो हम देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे प्रवेश, प्रवेश इसका होगा निर्गम। आगे अपन बात करें मूक, मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। नकद, नकद इसका होगा उधार। उसी प्रकार निरर्थक, निरर्थक इसका होगा सार्थक, निरर्थक का होगा सार्थक। उसी प्रकार निर्लज, निर्लज इसका होगा सल्लज, सल्लज, सल्लज। इसी प्रकार होगा वृद्धि, इसका होगा रास। आगे हम बात करें कर्मण्य, इसका होगा अकर्मण्य। आगे हम देखें दूषित, दूषित का होगा पवित्र, दूषित का होगा पवित्र। निर्बल, कमजोर का ताकतवर, वैसे निर्बल का सबल। खाद्य, अखाद्य। उसी प्रकार गुण, इसका हो जाएगा दोष, गुण का क्या हो जाएगा दोष। आगे हम देखते हैं और भी विलोम शब्द जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं जीवन, इसका होगा मरण। ठोस, ठोस का हो जाएगा द्रव्य। दंड, इसका होगा पुरस्कार। देते, इसका होगा देव, देते यानी राक्षस, देव यानी देवता। दुष्ट, दुष्ट का होगा साधु। पवित्र, इसका है पवित्र प्रशंसा, प्रशंसा का होगा, प्रशंसा का होगा निंदा। आगे हम देखते हैं प्राचीन, प्राचीन का होगा नवीन। प्रातः,
इसका होगा साइन, प्रातः का होगा साइन, महात्मा महात्मा का होगा दुरात्मा, नख नख का होगा सिख सिख, भूत इसका भूतकाल यानी जो बीत चुका, भविष्य भविष्य का होगा आने वाला समय। ठीक उसी प्रकार और विलोम शब्द आगे हम देखते हैं, मलिन 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 का होगा पवित्र, लोक लोक का होगा परलोक, लिखित लिखित का आएगा मौखिक मौखिक, रक्षक रक्षक का आएगा भक्षक। उसी प्रकार आगे देखें कि विशिष्ट विशिष्ट इसका आएगा सामान्य, विशिष्ट यानी विशेष लोग, सामान्य यानी नॉर्मल सामान्य से लोग। आगे हम देखें वीर कायर, विद्वान विद्वान का होगा मूर्ख, स्थाई स्थाई का हो जाएगा अस्थाई अस्थाई, संतोष इसका होगा असंतोष, विस्मरण 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 का होगा स्मरण। उसी प्रकार मृदुल मृदुल यानी कोमल, इसका हो जाएगा कठोर, आगे और अपन देखते हैं लघु लघु मतलब छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, शीर्ष इसका हो जाएगा तल, स्वार्थ इसका होगा परार्थ, संकीर्ण विस्तीर्ण, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, उपकार उपकार का होगा अपकार, निर्यात निर्यात का हो जाएगा आयात। इसी प्रकार सुपुत्र सुपुत्र का होगा कुपुत्र, सरस सरस का हो जाएगा नीरस, शिक्षित शिक्षित का हो जाएगा अशिक्षित अशिक्षित, योग्य योग्य का होगा अयोग्य। ठीक उसी प्रकार से और हम जो मुख्य मुख्य विलोम शब्द हैं एग्जाम की दृष्टि से गौर देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं जो और भी मुख्य जो विलोम शब्द हैं उनकी, जैसे अंत इसका हो जाएगा आदि, आलस्य
अलश्य का होगा निरालश्य। आगे हम देखें निष्क्रिय, निष्क्रिय तो इसका होगा सक्रिय, निष्क्रिय सक्रिय। प्राकृतिक इसका हो जाएगा कृत्रिम। आगे हम देखेंगे आशीर्वाद, इसका हो जाएगा साप। आगे हम देखेंगे उत्कर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्पत्ति, उत्पत्ति का होगा विनाश। अग्रज, अग्रज का हो जाएगा अनुज। आगे हम देखेंगे आमीस, आमीस इसका हो जाएगा निरामीस। आगे हम देखेंगे अंतिम, अंतिम इसका हो जाएगा प्रथम। आगे उत्पत्ति, उत्पत्ति तो उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश। और भी विलोम शब्द अपन देखते हैं जिनमें मुख्य मुख्य है, वैसे तो विलोम शब्द बहुत हैं लेकिन मुख्य मुख्य देख रहे हैं, उत्पत्ति विनाश। अब देखते हैं अपन अपेक्षा, अपेक्षा इसका हो जाएगा उपेक्षा। कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है विद्यार्थियों ज्येष्ठ, इसका दूसरा भी होता है वरिष्ठ भी बोलते हैं इसको, वरिष्ठ। निंदा, निंदा का होता है स्तुति, निंदा का होता है स्तुति। ध्वंस, ध्वंस इसका होगा निर्माण, ध्वंस का होगा निर्माण। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि परवर्ती, परवर्ती का होगा निवृत्ति। प्राचीन, प्राचीन का पहले देखा था नवीन होता है और अर्वाचीन भी होता है इसका, अर्वाचीन। बंधन, बंधन, बंधन का होगा मुक्ति, मुक्ति। दाता, दाता यानी देने वाला, भिक्षुक यानी भिखारी। दीन, दीन यानी गरीब। और समृद्ध यानी समृद्ध, समृद्ध यानी पावरफुल शक्तिशाली। मंगल, मंगल यानी शुभ। और अमंगल यानी, अमंगल यानी अशुभ। उसी प्रकार और देखते हैं उसी प्रकार देखते हैं योगी, योगी का होगा भोगी। सगुण, सगुण का होगा निर्गुण। सगुण यानी जिसका रंग रूप आकृति होती है, निर्गुण का मतलब होता है जिसका रंग रूप आकृति नहीं होती। सजीव, निर्जीव। हर्ष, विषाद। उसी प्रकार
गेय है, गेय का अगेय है, अगेय है। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा का होगा अपेक्षा। आयात, निर्यात। शिव, शिव का होगा एसिव, एसिव। आगे हम बात करें तो कुमार्ग, कुमार्ग यानी बुरा रास्ता, सन्मार्ग यानी अच्छा रास्ता। और अभी मुख्य मुख्य जो हैं वो देखते हैं। अद्यतन, अद्यतन इसका होता है पुरातन। कटु इसका होता है मधुर। आगे हम देखते हैं खिलना, खिलना का अर्थ होता है, खिलना का विलोम शब्द होता है मुरझाना। उसी प्रकार से गुरु, गुरु का होगा शिष्य। क्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। उसी प्रकार गतिशील, गतिशील, गतिशील का विलोम होगा गतिहीन, गतिहीन। ऐसे ही परिश्रम, परिश्रम का होगा आलस्य, आलस्य। तो विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से ये जो विलोम शब्द थे मुख्य मुख्य वो हमने देखे, और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है विलोम शब्द का, वैसे तो विलोम शब्द बहुत से हैं, अनेकों हैं, अनंत हैं, जिसके कोई अंत नहीं है, बहुत सारे विलोम शब्द हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य विलोम शब्द जो अपने एग्जाम में आने की जो संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ विलोम शब्दों, शब्द और उनके विपरीत जो अर्थ बनता है उनको हमने पढ़ा आज की वीडियो में। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। तब तक